सभी छात्र एवं छात्रा लगभग मैं इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में 25 वर्ष का इतिहास भी पढ़ाया है इतिहास, और सीटेट और टेट जब चलने लगा तो हम जो है मनोविज्ञान की किताब लिखे, वैसे बहुत किताब हम लिखे हैं प्रभु की कृपा से, और शिक्षा शास्त्र से PhD हैं और इतिहास से नेट हैं, और लगभग 25 वर्ष तक मैं प्रतियोगी छात्रों को इतिहास का अध्ययन कराया है, और आप लोगों के सामने बहुत बच्चे का इतिहास का भी जो है वीडियो बनाएं या इतिहास के बारे में भी चर्चा करें, तो हम आप लोगों के सामने इतिहास के पहली बार वीडियो देने जा रहे हैं। इतिहास क्या है? इतिहास तथ्यों का खेल है, तथ्यों का खेल है, सूचनाओं का खेल है, अतीत के घटनाओं का अध्ययन है। या आप ध्यान दीजिए, व्हाट इज द हिस्ट्री, इतिहास क्या है, ये चर्चित रचना है EHCAR की। उन्होंने कहा कि इतिहास तथ्यों का खेल है। यदि आप देखें, एक तथ्य की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, प्रामाणिक 12 है, प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है, और द्वादश निदान में कड़ियों की संख्या कितनी है, 12 है। 23 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, तो शिवाजी के पास कितने किले बचते हैं, 12 बचते हैं। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12, रामानंद के शिष्यों की संख्या 12। जब 16 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो कितने दिन बाद उनकी माता की मृत्यु होती है, 12। सुकरचकिया मिसल के प्रधान महाराजा रणजीत सिंह कितने वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठे, 12 वर्ष के अवस्था में। मिसलों की संख्या कितनी है, 12। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है, और प्रयाग प्रशस्ति के में हरिसेन स्पष्ट लिखते हैं कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के कितने राजाओं को पराजित करते हैं, 12 राजाओं को पराजित करते हैं। नूरुन्नुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नूरुन्नुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी जब 1605 को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु होती है तो हिंदुस्तान का शहंशाह बनते हैं जहांगीर, और कितना फरमान जारी करते हैं, आपका 12 फरमान जारी करते हैं। ध्यान दीजिए सभी छात्र, IAS, PCS, TGT, PGT, UGC और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी छात्र छात्रा इस बात को ध्यान दें कि दक्षिण भारत में शैव संतों को नैनार कहा गया है और वैष्णव संतों को अलवार कहा गया है। अलवारों की संख्या कितनी है, 12। इस तरह से ये क्या इतिहास का तथ्य है, तथ्यों का खेल है, EHCAR कहते हैं। जब तक आप तथ्यों को कोरिलेट करके अध्ययन नहीं करेंगे, मानस पटल से इतिहास भूलता जाएगा। आज आप कोरिलेट करेंगे, सहसंबंधात्मक संबंध बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, मेमोरी पावर इतिहास की घटना बनी रहे। जैसे अगर आप देखें, एक और तथ्य देखें, जैसे इतिहास कितने खंडों में है, 3 खंडों में है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एक तीन हुआ, दूसरा तीन देखिए, प्रागैतिहासिक काल के 3 खंड हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, ये 3 हो गया। फिर ध्यान दीजिए, इतिहास जानने के कितने साधन हैं, 3 साधन हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। भगवान बुद्ध की त्रिशिक्षा क्या है, प्रज्ञा है, शील है, समाधि है, त्रिशिक्षा है। भगवत गीता में प्रस्थान त्रय में किसको रखा गया है, भगवत गीता को, उपनिषद को और ब्रह्मसूत्र को रखा गया है प्रस्थान त्रय के अंदर। ये भी क्या है, 3 है।
इसी तरह से आपके तीन गुण हैं, सत्गुण, रजगुण और तमगुण, तीन गुण हैं। उसी तरह से जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन क्या है, चरित्र मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जैनों का त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध के त्रिरत्न। बुद्ध है, धम्म है, संघ है, भगवान बुद्ध के त्रिरत्न है। उत्कोट्टम है, पुलगिंदी है, नलबंब है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। उत्कोट्टम, पुलगिंदी, नलबम, तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। पम्म है, रन्न है, कन्न है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। इसी तरह से बहुत सी घटनाएं तीन पर हैं, बहुत सी घटनाएं बारह पर हैं। संपूर्ण इतिहास को आपको कोटेशन फार्मूला के माध्यम से बताने का प्रयास करें। एक फार्मूला के सामने रख रहे हैं, देखिए आप सभी छात्र देखें, चाहे आईएएस का छात्र हो, चाहे पीसीएस का छात्र हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का छात्र हो, या टीजीटी, पीजीटी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, जीआईसी के सभी छात्र ध्यान दें। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी ये आपका ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 312 या 315 में रखा गया है। तो यह क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, कोड इतिहास हम बनाए हैं। यह युवराज हैं, यह पुरोहित हैं, यह सेनापति हैं, यह कोषाध्यक्ष हैं। मौर्य काल में कैबिनेट स्तर के मंत्री के अंतर्गत इसको रखा गया, यूपीएससी को। तो ऐसे हम समय एक एक वीडियो में आपको जो है बताते जाएंगे, कैसे घटना को जोड़ेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो थोड़ा कल्पना करें, हाइपोथेसिस करें और सोचने का प्रयास करें। कितने विदेशी यात्री भारत में आए, जैसे इतिहास जानने के तीन साधन हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इनका हम क्रमबद्ध चयन कर अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे, तब पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करेंगे, तब विदेशी यात्रियों का अध्ययन करेंगे। विदेशी में जैसे यूरोप के अलग यात्रियों को रखा जाएगा, चीनी यात्रियों को अलग रखा जाएगा। जैसे चीनी यात्री कौन है, नियाप का चीनी यात्री कौन है, तो ध्यान दीजिए, फाइयान है, सुंगयुन है, वेनसांग है, वान वेसे है, एते सिंह है, मातवालीन है, चाउजू कुआ है। सब कुछ न कुछ अपने बारे में विस्तृत देते हैं, विस्तृत चर्चा की जाएगी। जैसे फाइयान है, फाइयान खा कर छुटता है धर्म, ह्यान कर छुटता है चार, फाइयान कर छुटा धर्माचार। फाइयान का वास्तविक नाम क्या है, कुंग। फाइयान की पुस्तक का क्या नाम है, फों क्यों की। अब फों क्यों की में भारत को क्या कहा गया, इंतु कहा गया है। अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और राजा कलिंग के राजा खारवेल थे, और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी भारत वर्ष की चर्चा है, भारत वर्ष की चर्चा है। अनुच्छेद एक में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, वहां पर भी चर्चा है। और स्कंद पुराण में भी जम्मू द्वीप के रूप में भारत की चर्चा है। पुराणों की संख्या 18, अजातक कथा में व्यवसायियों की संख्या 18, और महाभारत कितने दिन तक चला था, 18। अब मौर्य काल उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, और तीर्थों की संख्या 18। इसी तरह से घटना का क्रम है। यदि आप देखें बोर्ड पर, सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत की चर्चा होगी इस वीडियो में, वैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्याख्या होगी। कमेंट आप कर सकते हैं गंगा प्रकाशन के चैनल में। इसके बाद आप जैसे देखें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की चर्चा होगी, यानी हम लोग इतिहास जानने के स्रोत का अध्ययन करेंगे। और इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहले आपका जो है साहित्यिक स्रोत की चर्चा होगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोत के दो खंड हैं, एक आप
पाखंड है, एक धार्मिक साहित्य है और एक आपका लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य भी तीन खंड है, एक आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, दूसरा जो है आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है और तीसरा जो है ऐतिहासिक जीवनियां है। ध्यान दीजिए, लौकिक साहित्य तीन खंड है, ऐतिहासिक ग्रंथ, आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और ऐतिहासिक जीवनियां है। लौकिक साहित्य संबंध कितने व्यवहारिक ग्रंथ है, व्यवहार में जैसे कल्हण की पुस्तक राज तरंगड़ी है, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की पुस्तक मालविका विक्रम है, कालिदास की पुस्तक विक्रमवर्ती है, कालिदास की पुस्तक रघुवंतम है, कालिदास की पुस्तक विक्रमवर्ती है, कालिदास की पुस्तक मेघदूतम है, भारवी की पुस्तक जो है भारवी की पुस्तक किरातार दुनिया में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसी तरह से कात्यायन की जो है गार्गी संहिता है, कात्यायन की जो है आपका वार्तिक भी है, सोमदेव का कथा सरित सागर है, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम, इसमें ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है जिससे राजाओं के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसी को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया। जिसमें कुछ जो है जैसे ऐतिहासिक है व्याकरण की पुस्तकें हैं, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कात्यायन का वार्तिक है, उसी तरह से तोलकप्पिय का तोलकप्पियम है और कुछ संस्कृत की अन्य ग्रंथ है। यहाँ ऐतिहासिक ग्रंथ को रखा गया और यहाँ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को, ऐतिहासिक जीवनिया में बाणभट्ट की पुस्तक हस्तचरित है, उस तरह के ग्रंथों को रखा गया है। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ध्यान दें, छब्बीस लोग आप लोग देखें, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। गैर ब्राह्मण ग्रंथ है और गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत दो यूनिट बनता है, एक आपका जैन साहित्य बनता है और दूसरा आपका बौद्ध साहित्य बनता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत लंबी प्रक्रिया है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आप वेद का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, वेद का, वेद चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, चारों वेदों को संहिता कहते हैं। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद किसका अध्ययन करेंगे, आरण्यक का अध्ययन करेंगे, आरण्यक के बाद उपनिषद का अध्ययन करेंगे, उपनिषद के बाद उपवेद का अध्ययन करेंगे, उपवेद के बाद वेदांग का अध्ययन करेंगे और वेदांग के बाद रामायण का अध्ययन करेंगे, रामायण के बाद महाभारत का अध्ययन करेंगे, महाभारत के बाद पुराण का अध्ययन करेंगे और पुराण के बाद स्मृति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। भारत के सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, कोड ऑफ जेंटू ला के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद होता है और अनुवाद करने का श्रेय विलियम जेम्स को है। मनुस्मृति का संबंध आईएस का क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संबंध ला से है। उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, देवल स्मृति है, कात्याय स्मृति है, चर्चा की जाएगी, पुराण की भी चर्चा की जाएगी। इससे बोर्ड पर देखें, सभी छात्र एवं छात्रा इतिहास जानने के तीन स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत और एक विदेशी यात्रियों का विवरण है। ध्यान दीजिए, सभी आईएएस के बच्चे प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, जो यूजीसी की परीक्षा दे रहे हैं छात्र, और टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर हो या पीजीटी हो, तो सबका सभी पीसीएस लोअर ऑल वनडे एग्जाम हर जगह जीएस के रूप में इतिहास का प्रयोग है, हर जगह इतिहास का प्रयोग है। इस पर आप ध्यान दीजिए, सभी छात्र लगभग हम 25 वर्ष तक इतिहास का अध्ययन जो है प्रतियोगी छात्रों को कराए हैं और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के कारण हम भी जो है अपना चैनल बनाने का प्रयास किया है और अपने वीडियो के माध्यम से
आप लोगों के पास अपने जो है ज्ञान की बात रख रहे हैं। जैसे देखें साहित्यिक स्रोत के दो यूनिट बनते हैं, फिर से सुने, साहित्यिक स्रोत के दो यूनिट बनते हैं, एक धार्मिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत तीन खंड है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है और ऐतिहासिक जीवनियां। ऐतिहासिक ग्रंथ में किसका अध्ययन होगा, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो इतिहास से कंप्लीट जुड़ा हुआ हो। प्रारंभ में भारतीय इतिहासकारों ने या भारतीय लेखकों ने भारतीय विचारकों ने धर्म के साथ इतिहास की व्याख्या की है, धर्म के साथ ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। बाद में इसको अलग किया गया आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ऐतिहासिक ग्रंथ में रखेंगे, कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी को रखेंगे, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में किसको रखेंगे, भारवी की पुस्तक किरातार्जुनीयम है, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की पुस्तक कर्मवर्ती है, कालिदास की पुस्तक निर्विदुतम है, कालिदास की पुस्तक ऋतु संहार है, कालिदास की पुस्तक कुमार संभवम है, वास की पुस्तक स्वप्नवास दत्ता इसमें रखेंगे, पाणिनि के अष्टाध्याय को रखेंगे, कात्यायन की पुस्तक वार्तिक को रखेंगे, वाराणसी की पुस्तक जो है आप जो ज्योतिष शास्त्र की उनकी चर्चित किताब के बृहद संहिता को रखेंगे। ऐतिहासिक जीवनिया में बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित है, अश्वघोष की पुस्तक बुद्धचरित को रखें। अब साथ इधर देखें धार्मिक साहित्य के दो खंड है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है और एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में किसको रखा जाएगा, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य की चर्चा अलग से की जाएगी, बौद्ध साहित्य की अलग से चर्चा की जाएगी। जैसे जैन साहित्य में किसको रखेंगे, भद्रबाहु की पुस्तक कल्प सूत्र को, भद्रबाहु की पुस्तक भगवती सूत्र को रखेंगे। हेमचंद की पुस्तक अभिराम चिंतामणि है हेम उसको रखेंगे, हेमचंद की पुस्तक परिशिष्ट पर्वण को रखेंगे। ज्ञान साहित्य में जीन पुराण आदि पुराण पद्म पुराण को रखेंगे। बौद्ध साहित्य में क्या रखेंगे, आइए इसका क्वेश्चन है, दीप वंश है, महावंश है, महाबोधि वंश है, महापरिणित बाण सूत्र है, दिव्य अवदान, ये सब क्या है, बौद्ध साहित्य है। इन बौद्ध साहित्यों से हमें जो है मौर्य सम्राट अशोक के साथ साथ बौद्धकालीन धर्म की जानकारी भी मिलती है। इसी में आप पढ़ेंगे विनय पीटर त्रिपीटर अभिधम पीटर। विनय पीटर का संबंध किससे, मॉरल डेवलपमेंट से, नैतिक मूल्यों के विकास से। बहुत भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आचार नियम बनाए गए हैं। शुद्ध पीटर का संबंध किससे, धर्म से। अशुद्ध पीटर को क्या कहते हैं, बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अभिधम पीटर का संबंध किससे है, दर्शन से है। और दर्शन क्या है, दर्शनम साक्षात करणम अभिच दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दर्शन दृश्य धातु बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी देखना किसको, अपरोक्षानुभूत आत्म तत्व को देखना। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, और फिलॉसफी जो है फिलास और सोफिया से बना है। फिलास का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के प्रति जब अनुराग होता है उसको फिलॉसफी कहते हैं। अभिधम पीटक का विषय दर्शन। आप ध्यान दीजिए ब्राह्मण साहित्य में किसको रखा गया, ब्राह्मण साहित्य में वेद को रखा है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों को संहिता कहते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन निकला क्या, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन वेद सम्मिलित नहीं है। यूजीसी का क्वेश्चन बना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन बना कि वेद त्रयी में कौन वेद सम्मिलित नहीं है, तो अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। संहिता किसे कहते हैं, तो चारों वेदों को कहते हैं। वेद की अलग अलग चर्चा की जाएगी, किस वेद में किसकी चर्चा है, जैसे आपको बताया जाएगा। जैसे ऋग्वेद
कि जब चर्चा अगले वीडियो हम करेंगे, जैसे ऋग्वेद में गाय की चर्चा कितनी है 176 बार है, वर्ण का उल्लेख आपका 23 बार है, और उसके बाद ध्यान दीजिए वर्ण का उल्लेख 46 बार है, विदर्श का उल्लेख 122 बार है, सभा का उल्लेख 8 बार है, समिति का उल्लेख 9 बार है, अग्नि का उल्लेख 200 बार है, इंद्र का उल्लेख 250 बार है, भगवान विष्णु का उल्लेख 100 बार है, रुद्र का उल्लेख 3 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है, भगवती गंगा का उल्लेख 1 बार है, रुद्र का उल्लेख 3 बार है, सरस्वती माता का उल्लेख 50 बार है, सिंधु का उल्लेख 55 बार है, ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार है, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार है, वैश्य का उल्लेख 1 बार है, सुंदरवन का उल्लेख 1 बार है, समुद्र का उल्लेख 1 बार है, पृथ्वी का उल्लेख 1 बार है, बृहस्पति का उल्लेख 11 बार है, आप ध्यान दीजिए सोम का उल्लेख 144 बार है, ग्राम का उल्लेख 13 बार है, गौशाला का उल्लेख 75 बार है, विश्व का उल्लेख 171 बार है, जन का उल्लेख किसका कितनी बार चर्चा है हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। चारों वेदों को संहिता कहा गया, यदि ब्राह्मण ग्रंथ में आप वेद रखेंगे, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक है, आरण्यक के बाद उपनिषद है। सभी छात्र देखें आईएएस पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी और यूजीसी के सभी छात्र ध्यान दें, वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद, उपनिषद सबसे अंत में लिखा गया, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, इसीलिए उपनिषद को पराविद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं। उपनिषद का संबंध किससे, आध्यात्मिक जगत से, दार्शनिक जगत से। प्रश्न आयुष का क्वेश्चन है यूपीएसआई में भी पूछा गया है कि उपनिषद का विषय क्या है, तो दर्शन है। ध्यान दीजिए उपनिषद की चर्चा की जाएगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी, चर्चित उपनिषद कौन कौन है, ईशो उपनिषद, खेलो उपनिषद, कठोर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, यत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेतासुर उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। जगतगुरु शंकराचार्य जो है दो उपनिषद को छोड़कर 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखते हैं। सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में बताया गया कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, 12 हैं। वेदांगों की संख्या चर्चा की जाएगी, रामायण है, महाभारत है, पुराण है और स्मृति है। किसी क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं, विज्ञान नहीं। तो ध्यान दीजिए इस वीडियो में केवल आपको साहित्यिक स्रोत की रूपरेखा दी गई है, यानी क्या क्या आप अध्ययन करेंगे। इतिहास एक विस्तृत पाठ्यक्रम है, इतिहास को याद करना भी एक कठिन कार्य है, लेकिन श्रद्धा हो, लगन हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, तो आसानी से कठिन विषय को भी स्मृति पटल पर रख सकते हैं। थोड़ा प्रयास करें, अध्ययन की बात सोचें, अन्य विषयों को जो है मानसिक प्रवृत्ति से दूर करने का प्रयास करें, सफलता आपके पास है। धन्यवाद।